In this channel, you'll get to know all details about engineering. So for more engineering videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe. Hey, what's up everybody? This is Arshikan. You're watching Student Khabri. And aaj se agar hum baat kare, to 12th basis ki registration start ho gaye hain, jisko hum qualifying exam based round kehte hain. Matlab, ab jin students ne JEE ka exam nahi diya hai, wo aaj se registration kar payenge. Aur ye registration 13 October se leke 24 अक्टूबर तक ओपन है. मतलब आप 24 तारीख तक अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं 12th बेसिस पे. सामने में एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या कोई चांस है मेरा 12th बेसिस पे मुझे कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे. आपको थोड़ा सा वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं. साथ ही साथ अगर आपने वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया, बिकॉज बहुत सारे आपके स्टूडेंट फ्रेंड्स हैं जिन्होंने JEE का एग्जाम नहीं दिया है और वो उनको पता ही नहीं है कि काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो उनको ये वीडियो शेयर करो. आप 24 तारीख तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, देन चॉइस फिलिंग जो है वो आप 21 से लेके 27 तारीख तक जो है वो चॉइस फिलिंग कर सकते हैं. आपको रजिस्ट्रेशन एडिट होने में भी आप अगर लेट्स से आपका वेरिफिकेशन नहीं हो पाया है, क्योंकि इस बार जो वेरिफिकेशन है वो ऑनलाइन है. ऑनलाइन में क्या होता है, जब आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेते हो तो 2 दिन के अंदर आपके पास मैसेज आ जाता है कि वेरिफिकेशन आपका हो गया है, और अगर नहीं होता है वो आपसे बोलते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स में ये प्रॉब्लम है. तो साथ ही साथ आपको फिर उस टाइम पे एडिट, जब रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन होगा तो उस टाइम पे आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप उसको एडिट भी कर सकते हो, जो कि 25 से 26 तारीख के बीच में रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा. अगर मैं आप लोग की कॉमन मेरिट लिस्ट की बात करूं तो 28 तारीख को कॉमन मेरिट लिस्ट आएगी, और जो अलॉटमेंट है वो 2 नवंबर को अलॉटमेंट रिलीज होगा अगर हम 12th बेसिस पे स्टूडेंट्स की बात करें. तो अगेन आपको डेट याद रखनी है, 16 तारीख से लेके 24 तारीख तक रजिस्ट्रेशन करना है, 21 तारीख से लेके 27 तारीख तक आपको चॉइस फिलिंग करना नहीं भूलना है. और साथ ही साथ अब सवाल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस के लिए आपने ये वीडियो देखा था, ओपन किया था कि क्या मुझे गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलने के चांसेस हैं या फिर कोई अच्छा प्राइवेट कॉलेजेस मिलने के चांसेस हैं 12th बेसिस पे. वैसे अगेन हर बार की अगर मैं बात करूँ, लास्ट ईयर की बात करूँ, तो चांसेस बहुत कम होते थे, एक तरह से ना के बराबर होते थे अगर हम गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें, स्पेशली 12th के बेसिस पे. बट इस साल क्या है कि कोई थर्ड राउंड नहीं है, JEE मेंस और 12th के बेसिस पे साथ में काउंसलिंग है. बट एक और चीज़ है कि अगर एक 12th वाला स्टूडेंट और एक JEE वाला स्टूडेंट अप्लाई करता है, तो जो JEE वाला स्टूडेंट है उसको थोड़ी सी प्रेफरेंस पहले मिलेगी, भले आपका 99.99% हो. अगर आप कोई अच्छी ब्रांचेस देख रहे हो उस केसेस में चांसेस कम है, बट अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस से कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, अगर आप ब्रांचेस से कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, तो उस केस में डेफिनेटली आप गवर्नमेंट कॉलेजेस को भी ट्राई कर सकते हो और उनमें भी आप एडमिशन ले सकते हो. अगर आप चॉइस फिलिंग कैसे करनी है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है, या फिर आपको आपकी 12th की परसेंटाइल पे कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटी है, प्राइवेट में कौन से मिल सकते हैं, तो उसके लिए जो नीचे नंबर दिया है उस पर आप कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो. और साथ ही साथ आप चाहो तो आप काउंसलर एनालिटिक्स भी ले सकते हो, जो आपके बिहाफ पे आपके ड्रीम कॉलेजेस को टारगेट करेगा आपके 12th के परसेंटाइल के बेसिस पे. तो ये आपको मेक श्योर करना है अगर आप एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते हो, बिकॉज आपके पास सिर्फ एक चांस है. JEE वालों के पास 2 चांसेस थे, अगर उनको फर्स्ट राउंड में नहीं मिला तो उनके पास अभी सेकेंड राउंड है जो कि फाइनल राउंड है, बट आपके पास एक ही चांस है. अगर आपने कोई भी मिस्टेक की तो उस केस में आपके करियर और आपके कॉलेज पे ये सीधा सीधा असर डालेगा, तो आपको मेक श्योर करना है कि आप कोई मिस्टेक ना करो. अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है रिलेटेड टू कॉलेजेस, कौन से प्राइवेट कॉलेजेस टारगेट करने चाहिए, मैकेनिकल के लिए कौन सा कॉलेज अच्छा है, सिविल के लिए, तो नीचे नंबर पर आप बेझिझक जाके सवाल पूछ सकते हो, आपके सवाल हमारे जवाब. साथ ही साथ कई सारे लाइव सेशंस के लिए हम आते हैं, तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, गो राइट अवे सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन. टिल देन स्टे ट्यून्ड विद मी आर्शिकान ऑन स्टूडेंट खबरी. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.